ओके सो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द पेरेंटल जनरेशन. ये पेरेंटल जनरेशन जो है, दिस इज राउंड येलो, और येलो राउंड जैसा कि वहां पर भी लिखा हुआ था बोर्ड पर, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई, वाई और आर हम आगे पीछे लिख सकते हैं. और इसको क्रॉस किया हुआ है ग्रीन रिंकल्ड से, तो यहां पर सेपरेट हुआ आर वाई गैमिट, यहां स्मॉल आर वाई गैमिट. तो एफ वन जनरेशन जैसा कि वहां पर भी था, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो अभी यहां पर जो है हम ये चेकर बोर्ड देखते हैं. हाँ देखो, तो थोड़ा और ऊपर कर दो इसको पूरा. हाँ पूरा फोकस कर दो. ओके ओके, सो दीज आर द फोर गैमिट, ये चार गैमिट है, दीज आर द फीमेल गैमिट, और ये चार सेम टाइप के जो है दीज आर द मेल गैमिट. अब इनको यहां पर कंबाइन करके शो किया हुआ है, तो इनका कॉम्बिनेशन यहां पर जो है वो शो किया है. देख सकते हैं यहां से एक आर वाई, कैपिटल आर वाई, दोनों को कंबाइन किए फर्स्ट स्क्वायर में हमने लिखा है. फिर उसके बाद में स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इस तरफ से कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वाला, ये बारी बारी ये चार के साथ में फ्यूज करके ये ऐसे ही इस रो में लिखा हुआ है. तो ये हमको मिल रहा है, चेकर बोर्ड हमको भरने को आता है पहले से. सो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज कैपिटल स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल. तो ये इतना हमको यहां पर एक रो इस एक गैमिट के साथ में, ये एक गैमिट को ये चार के साथ में फ्यूज करने से मिल गई है. फिर ऐसे ही सेकेंड गैमिट यहां से हम ले रहे हैं, और फिर इसको सेकेंड वाले गैमिट को ये चारों से फ्यूज कर रहे हैं, तो हमको ये वाली पूरी रो मिल रही है. यहाँ पे शेप भी दिखाया हुआ है फिनोटिपिकली, तो जीनोटाइप यहाँ लिखे हुए हैं, और फिनोटाइप के लिए जो है यहाँ पे उसको लैंग्वेज में नहीं लिखते हुए, उसको यहाँ पे शेप में शो किया गया है. तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये पूरा चेकर बोर्ड जो है वो फील्ड है. ना यहां पर देख लो, जो कैपिटल आर, एक भी अगर कैपिटल आर अलील आती है तो वो शेप हो जाएगा उसका राउंड, और एक भी कैपिटल वाई अलील आती है तो वो हो जाएगा येल्लो. सो दिस इज राउंड येल्लो, राउंड येल्लो, राउंड येल्लो एंड राउंड येल्लो, दिस इज अगेन राउंड येल्लो, दिस इज द स्मॉल आर आया है यहां पर, तो स्मॉल आर की वजह से वो राउंड नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा रिंकल्ड. तो शेप देख सकते हैं यहां पर आप लोग, वो हो गया रिंकल्ड, यानी थोड़ा सा उसका जो शेप है वो थोड़ा सा सुकड़ गया है, रिंकल्ड हो गया है. और कलर तो येल्लो ही है क्योंकि कैपिटल वाई अलील है यहाँ पे, दो अगर एक भी रहेगी तो भी येल्लो रहेगा. यहां पर अगेन राउंड येल्लो है, यहां पर देख सकते हैं अगेन जो है वो रिंकल्ड है और येल्लो भी है. तो यहां पर देखेंगे तो राउंड येल्लो है, यहां पर भी राउंड येल्लो है. हाँ यहां पर देख सकते हैं हम लोग कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो राउंड तो है, शेप तो राउंड ही है, लेकिन कलर आप देख रहे हैं कि यहां पे येलो कलर नहीं है, यहां पे ग्रीन कलर है. रीजन, यहां पे स्मॉल वाई अलील है, तो स्मॉल वाई क्योंकि कैपिटल वाई जब तक के नहीं होगा तब तक के येलो नहीं होगा, यहां स्मॉल वाई है तो इसके लिए यहां पर कलर जो है इसका ग्रीन कलर है. सो दिस इज ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर का हो गया. फिर नीचे देख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये वाला, ऐसे यहां पर भी है. लास्ट वाला देख सकते हैं यहां पे, इसके पास में चारों अलील जो है वो रिसेसिव है. सो ऑल द फोर अलील्स दे आर रिसेसिव, सो इट इज रिंकल भी है और साथ साथ में ग्रीन भी है. तो बाद में जब इसको हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो इसकी काउंटिंग करने के बाद में हमको मालूम पड़ता है कि फिनोटाइपिक रेशियो जो आ रहा है वो है 9 येलो राउंड, 3 ग्रीन राउंड एंड 3 जो है येलो रिंकल एंड 1 ग्रीन रिंकल. तो ऐसे अपने को 9:3:3:1 का ये फिनोटाइपिक रेशियो यहां पर मिल जाता है. आप चाहे तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाल सकते हैं, जैसे ये एक जो है वो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई वाला है. फिर ऐसे ही यहां पर 3 डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाले कितने हैं, ये एक है और दूसरा इसके जैसा दिखने वाला जो है वो, जैसे ये दोनों हो गए तो 1:2, फिर 1, इस तरह से आप इसका जीनोटाइप रेशियो भी निकाल सकते हैं. तो फिनोटाइप रेशियो इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए फिनोटाइप रेशियो यहां पर नीचे लिखा हुआ है. तो यहां तक हमने जो है वो देख लिया अपना इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, मतलब 2 जीन का इनहेरिटेंस देख लिया. एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं, 7 कैरेक्टर में से कोई भी एग्जाम्पल हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आगे जो हमको पढ़ना है वो है टेस्ट क्रॉस, वो अभी हम लोग जो है वो बोर्ड पर देख लेते हैं.
सो F2 रेशो जो अभी हम लोगों ने वहां पे प्रोजेक्टर पे दिखा कि चेकर बोर्ड के बाद में हमको जो रेशो मिलता है फिनोटाइप रेशो वो होता है 9:3:3:1. दिस इज द F2 रेशो. तो ये जो F2 रेशो हमको आ रहा था ये 9 प्लांट्स जो थे ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे थे. मीन्स ये दोनों जो थे ये 9 प्लांट में दोनों कैरेक्टर साथ में आते, येलो भी थे, येलो सीड भी थे और राउंड उसका शेप भी था. तो ये येलो राउंड थे. फिर 3 जो थे वो हमको मिल रहे थे ग्रीन राउंड, येलो राउंड देन ग्रीन राउंड, ये 3. एंड जो दूसरे 3 थे दे आर येलो रिंकल्ड. येलो रिंकल्ड और एक प्लांट जो था वो ग्रीन रिंकल्ड था. सो 9:3:3:1 9 प्लांट येलो राउंड, 3 ग्रीन राउंड, 3 येलो रिंकल्ड और 8 जो है वो ग्रीन रिंकल आउट ऑफ 16 में से. अब यहां पर मैं आपको जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, जो मैं जा रहा हूं यहां पे एक्सप्लेन करने के लिए, वो है थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. तो मेंडल का जो थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था इट वॉज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहां भी हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट पहले मैं उसका स्टेटमेंट बोल देता हूं, तो आपको इसको बहुत गौर से सुनना है और उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट व्हेन टू प्लांट्स, दिस टू प्लांट पेरेंटल प्लांट, व्हेन टू प्लांट्स डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, व्हेन टू प्लांट्स डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड दे आर क्रॉस्ड विथ ईच अदर आउट ऑफ द, यहां पर तो F1 जनरेशन में तो हमको यहाँ पे जो डोमिनेंट वाला है वही मिलेगा, तो F2 जनरेशन में हमको क्या मिल रहा है उसके बेसिस पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है. सो व्हेन टू प्लांट्स डिफरिंग इन टू और मोर देन टू के लिए भी अप्लाई होता है. सो हम ऐसा ही बोल सकते हैं व्हेन टू प्लांट्स डिफरिंग इन टू और मोर देन टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर क्रॉस्ड विद ईच अदर द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड. सपोज दिस इज द ट्रेड, कोई भी एक ट्रेड ले लिया हमने इसमें से. The inheritance of one trait is independent on the inheritance of other trait. Suppose हमने येलो ले लिया तो येलो राउंड के ऊपर ये दोनों का इनहेरिटेंस, जैसे ये दोनों यहां पे साथ में है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे F2 जनरेशन तक के दोनों साथ में रहेंगे. मीन्स इसका जो इनहेरिटेंस है इसके इनहेरिटेंस के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाएगा. सो इट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो कैसे मेंडल को समझ में आया F2 जनरेशन के बाद में. यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 9 और 1 ये दो रेशो के जो प्लांट्स हैं दे आर कॉल्ड एज द पेरेंटल जनरेशन. इनको पेरेंटल जनरेशन बोला गया क्योंकि ये पेरेंटल जनरेशन के जैसे हैं, अपने ये वाले पेरेंट्स के जैसे हैं. और यहां बीच में ये जो दो प्लांट है दो कैटेगरी है, ग्रीन राउंड एंड येलो इंकर, दीज आर दे आर कॉल्ड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन.
इनको हम लोग नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, या इन्हीं को हम कहेंगे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स। ये रिकॉम्बिनेंट्स है क्योंकि पेरेंटल जनरेशन में कोई भी ग्रीन राउंड नहीं है, यहाँ पर ना ही कोई भी ग्रीन राउंड है और ना ही कोई भी येलो लिंकर्ड। तो यहाँ क्या है, येलो ग्रीन, येलो सॉरी येलो राउंड है और ग्रीन रिंकर्ड है, समझे। तो ग्रीन राउंड और येलो रिंकर्ड वाले पेरेंट नहीं है वहां पे। तो यहाँ पर एक जो ट्रेट है वो उसका इनहेरिटेंस दूसरे ट्रेट के इनहेरिटेंस के ऊपर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब हर ट्रेट अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहा है, असॉर्ट कर रहा है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो F2 जनरेशन के बाद में हमको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट देखने को मिलता है, और ये डायहाइब्रिड क्रॉस या डायहाइब्रिड से ज्यादा पॉलीहाइब्रिड क्रॉस में हमको देखने को मिलता है वो कैरेक्टर जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे उनके ऊपर। अब तीन लॉ अब तक के हम लोगों ने स्टडी कर लिए, एक जो है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस था, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था जिसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं, और थर्ड ये वाला लॉ है जो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पर देखा। तो ये जो लॉ है इसके पहले के जो दो लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देखा कि वो सब जगह फॉलो नहीं होता क्योंकि अभी हमने बीच में टॉपिक पढ़ा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, को डोमिनेंस का, प्लियोट्रॉपी का, तो वहां पर तो वो फॉलो नहीं हो रहा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, रीजन ये क्योंकि वो गैमेट बनाने के टाइम पे, गैमेट बनने के लिए जो है एलियंस जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, जब मियोसिस डिस्कवर हुआ था तो उस वक्त वो चीज सामने आ गई थी। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो ये लॉ है ये भी जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। आगे चल करके हमको जो है एक कंसेप्ट स्टडी करना है नॉन मेंडेलियन में जिसको थॉमस हंट मॉर्गन ने इंट्रोड्यूस किया था, एंड इट वॉज द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज। तो उस टाइम पर जो है थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया था कि मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो सब जगह पर अप्लाई नहीं होता है, मेंडल के सिलेक्ट किए हुए कैरेक्टर पर अप्लाई होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पर जो है वो उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, तो ऐसा नहीं है। अभी मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे बायचांस उसने ऐसे कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे जो एक दूसरे के टोटली कॉन्ट्रास्टिंग थे। जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई तो ये देखा गया कि कैरेक्टर्स जो है वो या तो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, और अगर कुछ कैरेक्टर जो है वो सेम क्रोमोसोम पर भी थे तो वो एक दूसरे से इतना डिस्टेंटली लोकेटेड थे कि गैमेट बनाने के टाइम पर वो सेग्रीगेट हो जाते थे। तो मेंडल को लगा कि उसने जितने भी कैरेक्टर सिलेक्ट किए हैं सारे के सारे कैरेक्टर पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये इक्वली अप्लाई होता है, बट ऐसा नहीं था। आगे चल करके इसको भी कंडीशनली एप्लीकेबल माना गया, मतलब कुछ ऐसे ही कैरेक्टर ऐसे ही ट्रेट के लिए एप्लीकेबल है जिसके एलील या तो अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे और या के फिर सेम क्रोमोसोम पर है तो बहुत बहुत डिस्टेंटली लोकेटेड होंगे, बहुत दूर होंगे वो। तो यहां तक के हमने जो है वो मेंडेलियन और कुछ नॉन मेंडेलियन के टॉपिक स्टडी किए हैं। अभी नॉन मेंडेलियन में हमको जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो रहेगा बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। और इसमें जो है वो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में तो इतना डिटेल में नहीं है, बट हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करना है, किया है, तो उसको भी हम लोग जो है एक रिव्यू लेंगे उसके साथ में, और फिर आगे हम लोग जो क्रोमोसोमल थ्योरी है उस टॉपिक पर आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं।